वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका पार्ट 9 राज्य और लोकतंत्र, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पार्ट में राज्य की प्रकृति को लोकतांत्रिक की अवधारणा पर विचार किया जाएगा। हम सभी किसी ना किसी राज्य में रहते हैं, अंत यह जानना आवश्यक है कि राज्य आखिर क्या है। लोकतंत्र की भावना राज्य की अवधारणा से ही विकसित हुई है और राजनीतिक विज्ञान में इतना इसका विवेचन भी महत्वपूर्ण है। राज्य क्या है? आरंभ में पर्याय ऐसा माना जाता था कि राजनीतिक विज्ञान मूलतः राज्य की प्रकृति का ही अध्ययन मनन है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक गवर्नर के पदों में राज्य ही राजनीतिक विज्ञान का आदि और अंत है। वास्तव में राज्य का वास्तविक किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही रहा है और इसे विधि व्यवस्था लागू करने तथा समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाले अभिकरण के रूप में देखा जाता रहा है। परंतु समय बीतने के साथ राज्य की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनान के नगर राज्य इसके लिए पॉलिसी और रोमवासी रेस पब्लिस पद का प्रयोग करते हैं। आगे चलकर ईसाई राष्ट्रकुल जैसे पद भी प्रचलन में आए। राज्य की अवधारणा में भी बदलाव आए। आरंभ में राज्य के प्राधिकार का विशेष जोर था, जो आगे चलकर जनता के कर्तव्य पर केंद्रित हो गया। 19वीं सदी के राज्य की प्रमुख विशेषता आंतरिक संप्रभुता व बराहे स्वतंत्रता मानी जाने लगी और इसमें विधि व स्त्रियों का विशेष योगदान रहा। 20वीं सदी में राज्य के वैधानिक और न्यायिक पहलू पर अपतिया उठाई जाने लगी। लाक्सी, मैकावर, मेरियम, लेक्सवेयर, डेविड स्टॉर्न, ओपेनहाइमर जैसे उदारवादी विचारकों की दृष्टि राज्य में उपयुक्त अवधारणा राज्य द्वारा केंद्रित राजनीतिक जीवन में को उसकी अनुपूर्णता में चित्रित नहीं करती। राज्य की अत्यधिक वैधिक न्यायिक सत्तावादी अवधारणा से वैसे समाज भी समाविष्ट हो नहीं हो पाते जो राज्य की उत्पत्ति के पूर्ण विद्वान थे। राज्य की अवधारणा में आए विभिन्न बदलावों में मैनेजर सामान्य तौर पर तीन अवधारणा मिलती है, आदर्शवादी अभिधारणाएँ, उदारवादी अभिधारणाएँ और समाजवादी अभिधारणाएँ। राज्य के संबंध में आदर्शवादी अभिधारणा प्लेटो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित पॉलिसी की यूनानी अवधारणा से आरंभ होती है। यह दोनों यूनानी विचारक राज्य को एक स्वाभाविक आवश्यक और नैतिक संस्था के रूप में देखते थे। राज्य तथा पॉलिसी का मुख्य कार्य उच्च कोटि का नेतृत्व और सद्गुण संपन्न जीवन प्रोत्साहित करना था। बाद के ईसाइयों ने दबाव किया कि राज्य अपनी सत्ता ईश्वर से प्राप्त करता है और राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा राजा के प्रति आज्ञाकारिता को राजनीति के धार्मिक कर्तव्य माना गया। आगे चलकर दार्शनिक हिगले ने राज्य संबंधी आदर्शवादी अभिधारणा को पुनर्जीवित करते हुए जैविक रचना की संज्ञा दी। उनके अनुसार प्राणी के भांति राज्य की भी तीन विशेषता होती है, स्पष्ट और उसके घटकों में जो संबंध होता है वही संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच भी है। राज्य एक संगठित समाज है और
उसका एक अंश है। किसी व्यक्ति विशेष की भांति राज्य भी अपने भीतर से विकसित होता है, और जिस प्रकार किसी प्राणी का लक्ष्य उसके भीतर निहित होता है, वैसे ही राज्य का उद्देश्य उसी ना अंतर्निहित होता है। राज्य की द्वारवादी धारणा का विकास रोम राज्य के पतन और धार्मिक सुधार आंदोलन, पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। अब राज्य को एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष सत्ता के रूप में देखा जाने लगा जो किसी निविश भूभाग पर वैचिक एवं सामरिक वैक्स और अधिकार का उपयोग करता है। तात्पर्य ये है कि राज्य अवधारणा एक ऐसे राष्ट्र राज्य की हो गई जो संप्रभुता संपन्न हो, लेकिन 17वीं-18वीं शताब्दी में यह अवधारणा भी बदलती और अब राज्य के साथ वैदिक अवधारणा जुड़ गई। राज्य एक विधि निर्माण निकाय बन गया, एक ऐसा संगठित समूह जिसका प्रयोग कार्य विधि निर्माण के द्वारा प्रसिद्ध एवं सत्ता बनाए रखकर लोगों के आगमन, चयन और खुशहाली प्रदान करना है था। इसी विधि आधारित संगठित समाज को आज हम संवैधानिक राज्य की संज्ञा देते हैं। राज्य की इस अभिधारणा के साथ मुक्त बाजार और निधन अर्थव्यवस्था का ऐसा ताना बोना जुट गया जिसमें राज्य की भूमिका अल्पतम हो गई, लेकिन 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में बदलाव का एक नया दौर आया और राज्य की अभिधारणा के साथ अधिक सक्रिय और उत्तरदायित्व के भाव जुड़ गए, जिसे आज हम उदारवादी कल्याणकारी राज्य के रूप में जानते हैं। समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने राज्य के संबंध में एक अपूर्ण भिन्न अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार राज्य संप्रमाशक वर्ग का एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग वह साधारणहीन वर्ग को शोषण के लिए करते हैं। राज्य की दमनकारी सत्ता वर्ग संघर्ष का जनक, और यह वर्ग संघर्ष एक ऐसी क्रांति को जन्म देता है जो अंत उच्च वर्ग के शोषण को खत्म कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करती है। राज्य की आधुनिक अवधारणा उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों से ओतप्रोत है। राज्य संबंधी अवधारणाओं को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। उदारवादी व्यक्तिवादी राज्य, सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य, इच्छा स्वतंत्रतावादी राज्य, पुरातन मार्क्सवादी अवधारणा, समकालीन मार्क्सवादी अवधारणा। हम अब बारी बारी से इन पर विचार करेंगे। उदारवादी व्यक्तित्ववादी राज्य, उदारवादी परंपरा में राज्य संबंधित आरंभिक अभिधारणाएं व्यक्ति केंद्रीय थी। लक्ष्य था व्यक्ति को हर प्रकार की स्वेच्छाचारी और निरंकुश सत्ता निकेश कर सत्ता राज्य सत्ता से मुक्त करना। जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार व्यक्ति के मौलिक प्राकृतिक और सहनतंत्रीय अधिकार माने जाते थे। राज्य का एकमात्र कर्तव्य व्यक्ति द्वारा इन अधिकारों का उपभोग को अपूर्ण सुरक्षित करता था। वास्तव में उदारवादी दिशनिक व्यक्ति के स्वतंत्र और राज्य की सत्ता को स्पर्श कर विद्रोही मानते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच किसी भी प्रकार के संभावित अंत विरोध से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। सच पूछा जाए तो उदारवादी विचारक राज्य को व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने का उपकरण मात्र मानते थे। लोक के अनुसार राज्य एक ऐसा तंत्र है जिसका निर्माण हम अपने हित के लिए और उसका संचालन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। उनका तर्क था कि चूंकि राज्य का
सृजन मनुष्य ने किया है। अंत वह अपने ज्येष्ठता से बड़ा नहीं हो सकता, राज्य के लिए है ना ही मनुष्य राज्य के लिए। राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यही है कि अपने कानून और पुलिस सैन्य बल से व्यक्ति के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करें। इस प्रकार राज्य एक ऐसी कृत्य सत्ता है जिसके सदस्यों ने एक साथ जीवन यापन करने के लिए एक अनुबंध कायम किया है ताकि उसके बीच सटे विवादों को सुलझाया जा सके और उसके अधिकार सुरक्षित बने रहे। उदारवादी मत के अनुसार राज्य सिचतों की सहमति से संविदा का परिणाम है, इसलिए यदि वह व्यक्तियों की इस संविदा का उल्लंघन करता है तो उन्हें प्रतिविद्रोह का अधिकार भी है और कर्तव्य। यदि राज्य अपनी सार्वजनिक हित में कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध है तो व्यक्ति को ये मानकर अपनी सत्ता और स्वतंत्रता की प्रतिरक्षा करने का पूरा अधिकार है कि राज्य उपयुक्त अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है। उदारवादी विचारक मानते थे कि सामाजिक नियंत्रण सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वैधिक प्रणाली और अहिंसा का होना पारमार्थिक है। अहिंसिता ऐसी हो जिसका लोग आदर करें और स्वयं राज्य को ही अहिंसा के अधीन होना चाहिए। विधि निर्माण के रूप में राज्य की परिकल्पना हो बोधा ने की और बेथन और ऑस्टिन ने इसमें और सुधार किए। विधि सहायता को मूलन तो स्वतंत्रता पर नियंत्रण माना गया लेकिन इसे इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि यह जीवन और स्वतंत्रता को गारंटी प्रदान करती है। उदारवादियों के अनुसार एक संप्रभुता एक देशों का आचरण पालन कर रही कोई सभ्य समाज जिंदा रह सकता है। एक विधि संपन्न राज्य ही संप्रभु राज्य हो सकता है और ऐसा राज्य सदन द्वारा निर्मित कानून के जरिए संचालित होता है। अधिकार स्वतंत्रता समानता लोकतंत्र के सभी वैधिक स्वरूप वाले हैं। यही मान्यता किसी संवैधानिक राज्य का आधार बनाती है। उदारवादियों को मानना था कि प्रत्येक राज्य का एक ऐसा संविधान होना अनिवार्य है जो सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारों और कृत्यों के साथ साथ उनके अंतर संबंधों और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हो। इस प्रकार आरंभिक उदारवादी विचारक मानते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और उसका अस्तित्व इसलिए है कि वह व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपभोग कराने की गारंटी प्रदान करे। इसे स्पष्ट है कि आरंभिक दौर के उदारवादी राज्य की भूमिका को सीमित मानते थे। बाजार अर्थव्यवस्था इसके जनक एडम स्मिथ ने राज्य की भूमिका को सीमित प्रदान करते हुए कहा कि इसके कार्य है हिंसा और आक्रमण से समाज को रक्षण प्रदान करना। समाज के प्रत्येक सदस्य को दूसरे या न्यो एड उत्पीड़न से बचाना और कर्तव्य ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं को लोकहित के कार्यों को चलाना जिसमें व्यक्ति अलभरकर होने के कारण अभिरुचि ना ले। राज्य के संबंध में उदारवादी परिप्रेक्ष्य में वह व्यवस्था भी संभिष्ट है जिसे आज हम मुक्त बाजार व्यवस्था के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इसे सैद्धांतिक आधार प्रदान कर से एडम स्मिथ को जानता जाता है। उनसे इस सिद्धांत का प्रतिपादन उनकी रचना बेल्ट ऑफ नेशन राष्ट्रों की संपत्ति में किया।
पर चेतककालीन उदारवादियों ने उसके सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत का मूल बिंदु यह है कि संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार और पवित्र अधिकार है, और यही सामाजिक हित में भी है। एडम स्मिथ के अनुसार मांग और आपूर्ति तथा कार्य और विक्रय की प्रक्रिया संसाधनों को सर्वोत्तम आवंटन सृजन करती है और मानवीय सुख तथा उपयोगिता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाती है। अन्य कोई प्रणाली इतनी सक्षम नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदारवादी दर्शन इस मान्यता पर आधारित था कि अर्थशास्त्र और राजनीति एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। एडम स्टीफन के शब्दों में व्यापारी और संप्रभुत से अधिक अग्रत विशेषताएं अन्य नहीं प्राप्ति होती। उदारवादी मान्यता के अनुसार लाभ व्यस्त परिश्रमी वेतन इत्यादि पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण आर्थिक प्रगति में बाधक है। उपयुक्त वितरण से स्पष्ट है कि राज्य संबंधित उदारवादी मत अत्यधिक व्यक्ति केंद्रित यह व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता को हितों को सर्वोपरि मानता है और संपूर्ण सामाजिक जीवन की परवाह नहीं करता। समाज अथवा अग्र राज्य के हित में व्यक्ति पर किसी प्रकार की पाबंदी को यह विचार नुकसानदेह मानती है। स्पष्टता इस मत के अनुसार राज्य की अवधारणा निवेश धनात्मक सिद्धि होती है, क्योंकि इसका कार्य नियमों को विधियों को थोपने तक सीमित हो जाता है। सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य 19वीं सदी के मध्य तक ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ बनी उससे आरंभिक उदारवादी राज्य संबंधित अवधारणा को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। सिर्फ आर्थिक क्रियाकलाप को सुविधाजनक बनाने मात्र फायदे कानूनों को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में भाग लेने की राजकीय नीति के समाज में घोर आर्थिक विषमता पैदा कर दी। एक ओर जहां बड़े बड़े पूंजीपति और इजारेदार वर्ग का अभ्युदय हुआ, वहीं दूसरी ओर विभाल जनसंख्या समुदाय शोषण और बदहाल की जिंदगी बसर करने को विवश हो गए। धनी और तथा निर्धन समुदाय के बीच ये खाई चौड़ी होती गई। इससे यह तख्त जागर हो गया कि राज्य संबंधित आरंभिक उदारवादी मत का अनुसरण करने से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। राज्य संबंधित सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी परिवेश का अनुदाय जे एस मिल टी एच क्रिक होल्सन लाक्सी क्रिक्स आदि विचारकों द्वारा राज्य की प्राकृतिक और उसके नीतियों के पूर्ण परीक्षण के फलस्वरूप हुआ। नव उदारवादी विचारकों ने उन्हें अंत सकारात्मक उदारवादी कहा गया ने भी स्वतंत्रता की प्राकृतिक राज्य और अर्थव्यवस्था के संबंध और स्वतंत्रता तथा सत्ता के बीच अंत विद्रोह पर भी फिर से विचार करना शुरू किया। उसमें अवसर की समानता की वसत्ता का एक नया भाव भी पैदा हुआ। समस्या पैदा हुई कि व्यक्ति और समाज के हितों और लक्ष्यों के बीच तथा समाजवाद और पूंजीवादी के बीच तालमेल कैसे बनाया जाए और नव
सकारात्मक उदारवादियों ने इस समस्या का समाधान स्वतंत्रता की अवधारणा को अधिक व्यापक बनाकर तथा राज्य के लिए एक नई सक्रिय भूमिका का निर्धारण कर किया। अब राज्य को सामाजिक हितों साधन के उपयोग उपकरण के रूप में देखा जाने लगा। नव उदारवादी की दृष्टि से राजकीय नियंत्रण और क्रियाकलाप वैश्विक स्वतंत्रता के लिए खतरा ना होकर एक ऐसा प्रभावशाली यंत्र बन गया जो संपूर्ण समाज के लिए, ना कि सिर्फ अल्पसंख्यक धनी वर्ग के लिए, स्वतंत्रता को वास्तविक एवं अर्थक बनाता हो। सामाजिक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। उदारवादी व्यक्तिवादी परिवेश के विपरीत सामाजिक लोकतांत्रिक परिवेश वाला राज्य व्यवसायित एवं सामाजिक हित के संपन्नीय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। इस प्रक्रिया में राज्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज में लोकतांत्रिक परिवेश से यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सारे नियंत्रण अनिनष्ट कर नहीं है, बल्कि से इसकी स्वतंत्रता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। सामाजिक लोकतांत्रिक परिवेश में राज्य की भूमिका काफ़ी सक्रिय एवं सकारात्मक हो सकती है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि सामाजिक में सभी न्यूनतम अधिकारभूत जीवन स्तर उपलब्ध हो। उदाहरण, राज्य न्यूनतम परिवेश स्तर तय करता है, कार्यदशा की शर्त निर्धारित करता है, बच्चे के पालन पोषण की सुविधा उपलब्ध कराता है, प्राकृतिक और शैक्षिक संसाधनों के रख रखाव और समुचित उपयोग पर ध्यान देता है इत्यादि। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य एक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना पर बल देते हैं। इस प्रकार के राज्य में लिखित संविधान प्रतिनिधिमूलक सरकार सामान्य मार्क्सीय मताधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार जैसे चीज़ों की प्रमुखता होती है। लोकतांत्रिकवादी मत के अनुसार यदि राज्य कल्याणकारी तो है किंतु लोकतांत्रिक नहीं है तो इसे उदार नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इस मत के समर्थक समाजवादी और मार्क्सवादी तरीकों के विद्रोह है। इस मत के समर्थन अनियंत्रित और न्यूनमुक्त व्यापार वाली बाजार व्यवस्था को दुष्परिणामों के प्रति पूर्ण सावधानी बरतते हैं, किंतु मार्क्सवादियों की भांति बाजार के न्यूनतम की वकालत नहीं करते। वह चाहते हैं कि बाजार प्रणाली तो बनी रहे लेकिन उस पर आधारित अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप करे। राज्य को चाहिए कि कार्य दशा और अन्य मसलों में बेहतर लाने के लिए आर्थिक और सामाजिक सुधार लाए और गरीबों, निरपेक्षता, बेरोजगारी इत्यादि पर नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाए। सामाजिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति में राज्य एक विस्तृत अर्थव्यवस्था के तहत पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करता है। ऐसे राज्य किसी वर्ग विशेष के वर्चस्व में ना होकर सामाजिक परिवर्तनों की दशा में कार्यशील रहता है। दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।